विष्णु जी और ब्रह्म देव के साथ एक युद्ध हुआ कि मैं सबसे बलवान हूँ। ये देखकर सब सारे गॉड्स दुखी हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो बाद में उनके सामने शिव लंग आ जाता है और तो और फिर ब्रह्मदेव और विष्णु जी के साथ एक युद्ध शुरू होता है कि जो भी इसका टॉप देखेगा वो जीत जाएगा। उन्होंने क्या करा, विष्णु जी धरती के साथ साथ नीचे गए और तो और ब्रह्मदेव ऊपर। ब्रह्मदेव को पहले से ही उनका टॉप दिख गया और वहाँ पर एक फूल था। वैसे ब्रह्मदेव के पास तभी तब लोटस नहीं था, उनको बाद में जब शिवलिंग से वो फूल मिलता है वही होता है उनका लोटस। बाद में जब वो लोटस वहाँ से गिर गया शिवलिंग से और ब्रह्मदेव ने उसको पकड़ लिया और नीचे आ गए। और तभी विष्णु जी उनके सामने ही थे कि उनको नहीं मिल पाया था, इसलिए वो थक कर ऊपर आ गए। उन्होंने देखा वो बहुत हैरान हुए और बहुत दुखी भी। तभी शिवलिंग से शिव जी बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमें तुमने इतनी बड़ी चीटिंग करी, मैं तो समझता था तुम बहुत अच्छे हो ब्रह्मदेव, लेकिन तुम तो बहुत बुरे निकले। तुमने पहले से ही वो शिवलिंग से वो लोटस गिरा था, तुमने उसको पकड़ के जीत गए। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें शराब देता हूँ कि तुम हमारी कोई पूजा नहीं करेगा, बस तुम्हारा एक ही मंदिर होगा और तुम्हारा एक भी मंत्र नहीं होगा और हमें लालची नहीं बनना चाहिए और पूरी जीत को हासिल करना चाहिए।